हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रो ऑर्बिट विद इंदु में आप सभी का स्वागत है। गुरु शनि शुक्र तीनों का वक्री होना और भारत पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। केवल मनुष्य ही उल्टे रास्ते नहीं चलते, बल्कि ग्रह भी अपनी उल्टी चाल चलते हैं। इस समय तीन ग्रह शुक्र, गुरु और शनि तीनों वक्री अवस्था में भ्रमण कर रहे हैं। 11 मई 2020 को शनि वक्री हुए हैं, 13 मई को शुक्र वक्री हुए हैं और 14 मई को गुरु वक्री हुए हैं। जब भी हमारे सोलर सिस्टम में कोई ग्रह वक्री होता है, तब इसका अच्छा और बुरा दोनों प्रभाव देखने को मिलते हैं। वैसे इस समय कोरोना के कारण एक आम इंसान मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से परेशान है और सभी जल्दी से जल्दी इन सभी समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं और तरह तरह की कोशिश भी कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इन सभी चीज़ों से मुक्ति मिल सके। ऐसे में इन तीनों मुख्य ग्रहों का वक्री होना सभी को एक नई चिंता में डाल रहा है कि क्या अब कोई और नई परेशानी आने वाली है। तो कोरोना काल में जिस तरह हम सभी अपने डॉक्टर्स पर, अपने साइंटिस्ट पर पूरी तरह डिपेंड होकर विश्वास कर रहे हैं, उन हर नियमों और सेफ्टी प्रिकॉशंस को पूरा कर रहे हैं, उसी तरीके से एक ज्योतिष भी ग्रहों की चाल को समझकर एक आम इंसान को होने वाली अच्छी या बुरी घटनाओं के होने से पहले ही जानकारी देने की कोशिश करता है, ताकि होने वाली हर घटना दुर्घटना से बचा जा सके। सबसे पहले ये समझते हैं कि वक्री ग्रह अच्छे होते हैं या खराब होते हैं। इस पर सबकी अपनी अपनी राय है, सबके अपने अपने विचार हैं। कुछ लोग मुझसे पूछते भी हैं कि शुभ ग्रह वक्री होकर अच्छे फल देते हैं या बुरे फल देते हैं, या अशुभ ग्रह अच्छे या बुरे फल देते हैं। ग्रह अपनी कक्षा में भ्रमण करते हुए सूर्य से निकटतम स्थिति में, यानी कि क्लोज एस्पेक्ट में, जल्दी और दूरी की स्थिति में मंद गति हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं। वास्तव में ग्रह मार्गी ही होते हैं, परंतु अलग अलग नक्षत्र काल के कारण यह गति हमेशा मार्गी ना होकर कभी कभी वक्री दिखाई देते हैं। हम पृथ्वी को रेफरेंस मान के चलते हैं कि पृथ्वी से ही हमें ग्रह की गति और ग्रह की दिशा का अनुमान लगता है। जब हम ग्रह की गति का अनुमान लगाते हैं तो कई बार हमें लगता है कि ग्रह वक्री हो गया है और वो पृथ्वी के बिल्कुल नज़दीक आ जाता है। अगर पृथ्वी अपनी गति से मूवमेंट नहीं कर रही है तो वो जो ग्रह है वो पृथ्वी के बिल्कुल इक्वल एंगल पर आ जाता है, तो ग्रह की वो जो स्थिति है वो स्टेबल की स्थिति हो जाती है, जिसे स्टेशनरी भी कहा जाता है। एक्चुअल में होता क्या है, हमें लगता है कि ग्रह मूवमेंट नहीं कर रहा है क्योंकि हम अनुमान पृथ्वी से लगा रहे हैं, लेकिन जब अन्य ग्रहों से या हमारे सैटेलाइट से जब हम इसे देखते हैं तो वक्री ग्रह मूविंग करते हुए दिखाई देते हैं। तो ग्रह ना तो वक्री होते हैं और ना ही स्टेबल होते हैं, ग्रह केवल अपनी ही गति से चल रहे होते हैं। ये सब हमारी पृथ्वी के मूवमेंट पर डिपेंड करता है। इसे दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जब ग्रह वक्री होता है, उसके बाद ग्रह जब मार्गी होता है, तो उनके बीच का जो पॉइंट होता है वह ग्रह का सबसे स्लो पॉइंट होता है। ग्रह बिल्कुल ऐसा लगता है कि पावरलेस हो गया है, ग्रह में कोई पावर ही नहीं बची है, उसकी स्पीड कम हो जाती है, तो हमें लगता है कि ग्रह जो है वो स्टेबल हो गया है। तो जब ग्रह मार्गी या वक्री होता है तो उससे रिलेटेड इवेंट एक आम इंसान के जीवन में भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। ग्रह का जो स्लो पॉइंट है, जो स्टेबल का पॉइंट हमें दिखता है, वो पॉइंट कुछ अचीव करने का समय होता है, कुछ अटेन करने का समय होता है। इसकी डिटेल में जानकारी आपको मेरे दूसरे वीडियो में मिल जाएगी, जो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, उसे आप मेरे चैनल पर सुन सकते हैं। इस समय तीन ग्रह वक्री हो गए हैं केवल 4 दिन में, जो बहुत ही यूनिक है, जिसके कारण बहुत मेजर इवेंट देखने को मिलने वाले हैं और इसका इफ़ेक्ट जो है वो एक आम जीवन पर पड़ने वाला है। इस समय गुरु मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और
कुछ समय के बाद गुरु जो है वो मकर राशि को छोड़ करके धनु राशि में आ जाएंगे, अपनी खुद की राशि में आ जाएंगे। तो गुरु यहाँ पर अति वक्री हो जाएंगे और शुक्र भी अपनी वृषभ राशि में वक्री हो गए हैं, यानी दोनों गुरु, शुक्र और गुरु दोनों वक्री हो गए हैं। इसके साथ ही गोचर में शुक्र पर गुरु का भी अपना दृष्टि होने से ये बहुत अच्छा योग नहीं कहा जा सकता, ना तो धन के लिए, ना फाइनेंस सेक्टर के लिए, और ना ही किसी भी तरीके की एडवाइस के लिए जो इस समय फाइनेंस से रिलेटेड दी जाए। उस तरीके की सभी एडवाइस जो है वो इस समय रॉन्ग साबित हो सकती है, गलत साबित हो सकती है, तो इसके जो परिणाम है वो बहुत अच्छे नहीं हो सकते। जहाँ शुक्र का वृषभ राशि में गोचर फाइनेंस के लिए एक सॉलिड ट्रांसिट को शो करता है, वहीं पर वक्री होकर यह ट्रांसिट जो है वो ओवरऑल फाइनेंस मार्केट के लिए अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। 17th ऑफ जून को मरकरी भी यहाँ पर वक्री होने वाले हैं, तो सेम टाइम पर तो कोई बिग इवेंट, कोई बड़ा इवेंट इस समय हो सकता है। 17 जून से लेकर 25 जून तक बुध जो है वो वक्री रहने वाले हैं। इसी बीच 21 जून को सूर्य ग्रहण भी पड़ने वाला है, तो कोई भी बहुत अच्छा इस समय महसूस नहीं करेगा, उसके व्यवहार में परिवर्तन आ सकता है, नेगेटिव थिंकिंग आ सकती है, उसे सही एडवाइस नहीं मिल सकती, इसलिए बहुत सावधानी रखने की इस समय ज़रूरत है। 25 जून के बाद सबसे पहले शुक्र ही मार्गी होने वाले हैं, तब आपको एक फ्रेशनेस महसूस होगा, एक अच्छा आइडिया माइंड में आएगा, क्योंकि ग्रह वक्री होकर के आपकी डिज़ायर को ब्रेक कर देता है, आपकी जितनी भी इच्छाएं होती हैं उन सबको तोड़ देता है। इसलिए जुपिटर वीनस के रेट्रो टाइम पर बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है, ये समय थोड़ा सा क्रूशियल भी हो सकता है। वक्री ग्रह के बारे में सबकी अपनी अपनी राय हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि किसी खास कंडीशन में रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स हमेशा एक्सट्रीमली गुड रिजल्ट देते हैं। कई बार मेरे अपने कुछ क्लाइंट्स, अपने कुछ व्यूअर्स भी मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि शुभ ग्रह वक्री होकर अच्छे या बुरे होते हैं, या अशुभ ग्रह वक्री होकर अच्छे या बुरे होते हैं। तो इट्स डिपेंड इफ़ बेनिफिक प्लैनेट आर फंक्शनल बेनिफिक और नेचुरल मेलिफिक आर देयर। अब बात करते हैं कि इन सभी ग्रहों का वक्रे होने से देश में क्या परिणाम देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शनि की, जो 11 मई 2020 को अपनी मकर राशि में वक्री हो गए हैं। मकर राशि भारत की कुंडली में 9th हाउस में है, जो कर्म की राशि है। शनि खुद भी कर्म का कारक है। ऐसे में वक्री होकर अपनी राशि में अपने वो कुछ कार्य जो बाकी रह गए हैं उन्हें या तो पूरा करेगा, या फिर जो भी गलत कार्य किए गए थे उसमें सुधार की अगर आवश्यकता होगी तो उसमें वो सुधार भी करेगा। वक्री ग्रहों में यही एक अच्छी बात होती है कि वो पीछे जा कर के जो कुछ भूल गए हैं या जो कुछ भी उनको अपने द्वारा किए गए कार्य में सुधार की अगर आवश्यकता होती है तो वो उसको सुधारने की कोशिश भी करते हैं। तो शनि के वक्री काल में बहुत सी घटनाओं को देखा जा सकता है। शनि श्रम है और श्रमिक भी है, तो इस समय मजदूर वर्ग को कुछ ज़्यादा ही परेशानी हो सकती है, सभी को रोजगार से संबंधित परेशानी हो सकती है। इस समय चोरी, भ्रष्टाचार, आगजनी, आतंकी गतिविधियां या पैसे की हेरफेर को लेकर के कोई नुकसान हो सकता है, इन सभी से रिलेटेड गतिविधियां तेज हो सकती हैं, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, दंगे फसाद हो सकते हैं, लेकिन शनि वक्री होकर पिछले भाव के फल भी देगा। तो इन सब के चलते हमारे देश के वकीलों के पास हजारों केस आएंगे, कोर्ट केस मुकदमे के चलते हमारे देश की जो न्याय व्यवस्था है वो बहुत स्ट्रांग हो सकती है, क्योंकि शनि न्याय भी करते हैं, हर कर्म का फल भी वही देते हैं। शनि के वक्री होने से इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव रोजगार पर पड़ने वाला है, इससे संबंधित नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेंगे। लोहे से संबंधित, मेटल से संबंधित, ट्रांसपोर्ट से संबंधित या फिर मशीनरी से संबंधित इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल सकता है। लॉकडाउन के दौरान हम सभी इन चीज़ों को फेस भी कर रहे हैं
और भारत की कुंडली में शनि 9th और 10th लॉर्ड भी है, जो शनि योग कारक भी है। ऐसे में शनि का वक्री होना कोई जिम्मेदारी और काम का बर्डन को भी शो करता है। वक्री होने की स्थिति में देश में कानून व्यवस्था स्ट्रांग हो सकती है, थोड़ी कठोर हो सकती है। देश में नए नियम, नए कानून बनाए जा सकते हैं, जिसकी वजह से देश में हो रहे गलत कार्य को सुधारा जाएगा, उनका पुनर्गठन हो सकता है, अपराधियों को उनके किए की सजा मिल सकती है। क्योंकि शनि की अपनी अनुकूलता और प्रतिकूलता का प्रभाव मनुष्य पर ही नहीं बल्कि प्रकृति पर भी पड़ता है, क्योंकि शनि अपनी रश्मियों के द्वारा सजीव और निर्जीव सभी को प्रभावित करते हैं। शनि वायु को भी इंडिकेट करता है, तो इस समय तेज और ठंडी हवाएं चलेंगी, तेज आंधी चलेगी, मौसम में भी बहुत बड़ा परिवर्तन इस समय आ सकता है। क्योंकि जुपिटर भी मकर राशि में वक्री हैं शनि के साथ में, और मौसम में जितने भी बड़े बदलाव होते हैं वो सभी जुपिटर के कारण होते हैं। रोजगार के विषय में देश में सरकार नया कानून बना सकती है, जो मजदूर वर्ग के हित में भी हो सकता है। धर्म के संबंध में कोई नया कानून भी बन सकता है, जिससे देश के आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के इंतजाम सख्त हो सकते हैं। क्योंकि देश में असामाजिक तत्व के कारण जनता में परेशानी और आक्रोश भी दिखाई दे सकता है। जो वक्री होने के कारण शनि को गलत समझ रहे हैं, बेसिकली वो देश के लिए उच्च स्तरीय कार्य करने वाले हैं, एम्प्लॉयमेंट में, टेक्निकल फील्ड में या फिर देश की कानून व्यवस्था में। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, गुरु ज्ञान का, विस्तार का, इंटेलिजेंस का, धर्म का या अध्यात्म का ग्रह है। वक्री होने से इसके सभी कारकत्वों में वृद्धि होगी, क्योंकि गुरु अपनी नीच राशि मकर में वक्री होकर उच्च के समान रिजल्ट देने वाले हैं। भारत की कुंडली में भी गुरु जो है वो 8th और 11th भाव के स्वामी बनते हैं, जो 14 मई 2020 से लेकर 13 सितंबर 2020 तक वक्री रहने वाले हैं। इस समय देश की कुंडली में 9th भाव में गुरु भ्रमण कर रहे हैं, जहां वक्री शनि भी उनके साथ है। तो ये जो स्थिति है ये शुभता की तरफ इशारा कर रही है, एजुकेशन में, ज्ञान में, धर्म के कार्य में शुभता प्रदान करने वाले हैं। शनि के साथ होने से थोड़ा समय जरूर लगेगा या इससे मिलने वाली सुविधा में असुविधा भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर गुरु अपने सभी कारकत्वों में कमी की जगह स्टेबिलिटी लाने वाले हैं। काम तो सभी होंगे लेकिन थोड़ा सा डिले हो सकता है। देश में धर्म के नाम पर सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं, फाइनेंस की स्थिति थोड़ी सी गंभीर हो सकती है, लेकिन फिर भी देश की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ज़्यादा परेशानी वाली नहीं होगी। भारत की स्थिति को देखते हुए अन्य देश भारत की तरह कानून व्यवस्था बना सकते हैं, साथ ही भारत से सपोर्ट ले भी सकते हैं और भारत को सपोर्ट दे भी सकते हैं, जिससे भारत की स्थिति और भी मजबूत हो सकती है। देश में रोजगार के साधनों में वृद्धि होगी, जिससे भारत की इकोनॉमी का जो रेशियो है वो बढ़ सकता है। 29 जून 2020 के आसपास गुरु धनु राशि में वापस आ जाएंगे, जहां वो केतु के साथ होंगे, जो देश में असामाजिक तत्वों के कारण परेशानियां बढ़ा सकते हैं। चलते हुए कोई भी काम रुक सकता है। धन से संबंधित शुरू हुए कार्य इस समय पर थोड़ा रुक सकते हैं, उनमें रुकावट आ सकती है। इसी बीच भूकंप, आतंकी गतिविधियां, सांप्रदायिक दंगे, प्राकृतिक आपदा, एक्सीडेंटल डेथ, आगजनी, ये सब देखने को भी मिल सकते हैं। इसी समय पर एक बार फिर से कोरोना वायरस या फिर किसी अन्य वायरस का एक बार फिर से पीक पॉइंट पर होने वाला है, लेकिन अच्छी बात यह होगी कि गुरु स्वग्रही होने से हमारी मेडिकल टीम की प्लानिंग पहले से ज़्यादा स्ट्रांग होगी। हमारे डॉक्टर्स बहुत ही तेज़ी से और बहुत ही अच्छी प्लानिंग के साथ आगे काम करने वाले हैं, जो देश के लिए बहुत ही अच्छा होगा। फाइनेंस के सेक्टर में, स्टॉक मार्केट के सेक्टर में भी बढ़ोतरी संभव है, क्योंकि इस समय 23 सितंबर को राहु केतु भी अपनी राशि परिवर्तन कर लेंगे, जिसके कारण गुरु स्वग्रही होकर के शुभ भी हो जाएंगे।
इसलिए हमारे देश की जो आर्थिक व्यवस्था है या हमारे देश की मेडिकल टीम है या किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी होगी उसमें बहुत ही हद तक सुधार की संभावना दिखाई देती है। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र विलासिता का, सौंदर्य का, लग्जरी आइटम का ग्रह है, ये हम सभी लोग जानते हैं। 13 मई 2020 को शुक्र वक्री हो गए हैं जो भारत की कुंडली में लग्नेश और षष्ठेश हैं। 25 जून 2020 तक शुक्र अपनी खुद की वृषभ राशि में वक्री रहेंगे। तो वक्री काल के दौरान सौंदर्य प्रसाधन, विलासिता के साधन, रेस्टोरेंट, सजावट के साधन या जितने भी महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, मोबाइल हैं, इन सब के मार्केट जो हैं वो हो सकता है कि 25 जून के बाद खुल जाएं, ओपन हो जाएं और उनके दाम में वृद्धि भी संभव है। यहाँ भारत की कुंडली में 6th हाउस और 12th हाउस दोनों एक्टिव हो रहे हैं। तो ज्वेलरी, हवाई यात्रा, वाहन या कोई भी लग्जरी आइटम जो है वो सभी महंगा हो सकता है, उनमें टैक्स बढ़ सकता है। टूर और ट्रैवल के जितने भी संसाधन हैं उनमें वृद्धि हो सकती है। हॉस्पिटल में होने वाली सभी सुविधाओं में बढ़ोतरी हो सकती है या दवाइयों पर, मेडिकल इक्विपमेंट पर थोड़ा खर्चा सरकार का हो सकता है। तो मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है, आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।